तो बच्चों आज हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं डेंसिटी सॉलिड के बारे में बात करूं, तो किसी भी सॉलिड की डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं कि मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मैं किसी डेंसिटी किसी गैस की निकालना चाहूँ तो यही फार्मूला उसके लिए भी वैलिड होगा, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन यदि गैस आइडियल गैस हुई, ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है कि यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ कि डेंसिटी जो है वो अगर हम आइडियल गैस के बात कर रहे हैं तो डेंसिटी किसी भी आइडियल गैस की होती है पी एम अपोन आर टी, वेयर पी इज़ अ प्रेशर, एम मोलर मास, आर गैस कॉन्स्टेंट होता है और टी उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला आया कैसे कि आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन अपन यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, पी वी अपॉन एन आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए होती है। ठीक है, एन जो यहाँ पर है ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। ठीक है, अगर मैं मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दूँ और मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दूँ, और इस चीज़ को उठा के मैं कहाँ रख देता हूँ, एन नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई पी वी इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम आर टी, वेयर एम इज़ अ मास एंड कैपिटल एम इज़ मोलर मास। इसको मैं ऐसे रीअरेंज करके लिख सकता हूँ कि मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू ये चीज़ क्या आ जाएगी, पी एम अपॉन आर टी। इसका मतलब मैं डेंसिटी आइडियल गैस की क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। तो सही यूनिट का हम यूज़ करेंगे तो हम डेंसिटी जो है, वैसे नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर एम एल में, तो जो डेंसिटी आएगी किसी गैस की वो ग्राम पर एम एल में होगी। अब हम बात कर रहे हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। पहली बात तो समझ लीजिए कि जो वेपर डेंसिटी टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ किसके लिए डिफाइन करता है, अपन गैस के लिए। ठीक है, तो वास्तव में वेपर डेंसिटी होती क्या है, इट इज़ रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ये होती है हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट हो 80 ग्राम। ठीक है, एक्स ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 80 ग्राम। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट वाई है जिसका वेट है 40 ग्राम। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना, मैंने जो बोला कि 40 ग्राम एक ऑब्जेक्ट है वाई और एक्स जो है ऑब्जेक्ट है 80 ग्राम। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स का वेट वाई का दुगना है। ठीक है, यानी ये जो 2 टाइम्स आया, एक्स का वेट वाई का 2 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स उसका रिलेटिव वेट है। अब अगर मैं वाई का रेफरेंस बदल दूंगा, अगर मैं y को 80 ग्राम कर देता हूँ तो x का वेट उसके बराबर हो जाएगा 1 टाइम्स। अगर मैं इसको जो है y को 20 ग्राम कर देता हूँ तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो 4 बोल रहा हूँ मैं, ये उसका वेट नहीं है, ये रिलेटिव वेट है। वैसे ही रिलेटिव डेंसिटी जो है वो क्या होती है, किसी और गैस के रेफरेंस में हम इसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट जो है इसकी बिल्कुल नहीं होती है, यानी यूनिट प्लेस होती है। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का जो फार्मूला है ये है कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, जो कि हमने बाय डिफॉल्ट कौन सी गैस लिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अच्छा, डेंसिटी का फार्मूला मैं देख चुका हूँ कि डेंसिटी क्या होती है, पी एम अपॉन आर टी। ठीक है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर में सेम कर दूँ तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी, एम, वेयर एम स्टैंड्स फॉर मोलर मास। तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है, इसको मैं रिप्लेस कर दूँ तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा एम गैस अपॉन एम हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 2। तो मेरे पास जो फार्मूला आ जाएगा वेपर डेंसिटी का फाइनल, वो क्या आ जाएगा, एम गैस अपॉन 2। यानी कि आपको किसी भी गैस का मोलर मास पता हो तो डिवाइड बाई 2 करने पर मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, वेपर डेंसिटी। और ये वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होगी। तो आप समझ जाइए कि किसी गैस की डेंसिटी का मतलब पी एम अपॉन आर टी या मास बाई वॉल्यूम, और वेपर डेंसिटी का मतलब मोलर मास बाई 2, जो कि यूनिटलेस है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ सी एच फोर गैस है मेरे पास, इसका मोलर मास है 16। ठीक है, और ये यूनिट हम इसकी लिखते हैं ग्राम पर मोल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी वेपर डेंसिटी निकालना चाहूँ तो इसकी वेपर डेंसिटी आएगी मेरे पास 8। ठीक है, जिसको मैं क्या करूँगा, यूनिटलेस लिखूँगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी।